मुझे पता करना है कि सपोज़ जैसे रूम है, तीन चार रूम है फ्लैट में, तो उसमें कौन सी डायरेक्शन, जैसे मैं अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या कुछ जी अपने लिए काम करना है, तो कौन सी डायरेक्शन बेस्ट रहेगी बच्चों के लिए और बेडरूम, या जैसे सोने के लिए होती है उसमें कौन सी डायरेक्शन का रूम देखिए, बेस्ट ये एक रहेगा? कंप्लीट वास्तु है जो आपने क्वेश्चन किया कि कौन सी जगह किस चीज के लिए सही है। तो मैं तीन चार लाइनों में इसको कंप्लीट करता हूँ। जब हम नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे बेडरूम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम सोने के लिए बहुत खतरनाक होता है, यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मान लीजिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रेशर फैन है, जैसा कि आपने मैरिज पार्टीज में देखा होगा, उसके सामने आप नहीं खड़ा हो सकते, एक हवा का झोंका आपको उड़ा देगा। तो उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट से बहुत ज़्यादा प्रेशर एनर्जी आती है जो आपको सोने नहीं देगी। अगर सोएंगे भी सही तो ओवरऑल आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब भी होगी, और हमारी जो लक है, जो रीजेविनेशन है, वहाँ पे डेवलप नहीं होगी। तो नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं सोना है। वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ, ये तीन रूम्स हैं जिसमें आप अपने सोने की जगह बना सकते हो, बच्चों की भी अपनी भी। मास्टर बेडरूम आपको साउथ वेस्ट में लेना है। और वर्किंग एरिया? वर्किंग एरिया आपको नॉर्थ ईस्ट में भी ले सकते हैं और आप दूसरी डायरेक्शंस में भी ले सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर वर्किंग एरिया लेंगे, और अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आईटी कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट एक बहुत अच्छी डायरेक्शन है, क्योंकि ये जब आप काम कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट आपको बहुत ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रखेगी।